हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर व्यास। और आज हम बात करने वाले हैं कि एचरेक की हेल्प से आप फ्री में टोटल अपनी साइट का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। एचरेक का गूगल कंसोल, उसका वेबमास्टर का टूल जो अभी न्यूली इंट्रोड्यूस किया है, उसकी हेल्प से आप अपनी पूरी वेबसाइट का एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट में कैसे कर सकते हैं। मैं एक टूल बनाने की ट्राई कर रहा था जहां पर आप लोग आपके कीवर्ड की पोजिशन को ट्रैक कर सकते थे, लेकिन अभी एचरेक ने ये सारी फैसिलिटीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है। आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है आपका कीवर्ड कहां पर रैंक कर रहा है, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग क्या है, सारी डिटेल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कैसे टूल काम करेगा, क्या आपको इसके लिए करना है, कैसे इसका अकाउंट फ्री साइन अप करना है, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके अपने ओपिनियन बताना मत भूलिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमारे चैनल के बाकी वीडियोस पे कैसे लगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एचरेक का वेबमास्टर टूल क्या है, इसको कैसे आप यूज कर सकते हैं। लेट्स गो टू द स्क्रीन। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं यहां पर आपको टाइप करना है ahrefs.com/webmaster-tools। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इन केस यू आर नॉट एबल टू टाइप इट। सो गाइस, आप देख सकते हैं सिमिलरली जैसा हमारा गूगल का सर्च कंसोल होता है, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर आप गूगल के सर्च कंसोल में गाइस लॉग इन करते हैं तो आपको वहां पे डिटेल आइडिया नहीं दिया जाता है, आपकी वेबसाइट में कहीं एरर है, कहीं क्राउलिंग इश्यूज हैं। तो ये सारी की सारी चीजों का एक लिटिल बिट ब्रीफ इंस्ट्रक्शन आपको गूगल के अंदर दिया जाता है, इसको रिजॉल्व करना इट्स अ ट्रिकी प्रोसेस। तो ये सारा काम आपको डिटेल एनालिसिस के साथ में एचरेप दे देगा, जिससे आपके सर के सारे इश्यूज आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको क्विकली रेक्टिफाई कर सकते हैं। करना क्या है गाइज, इसको यहां पर आना है, लेकिन यहां पर आपको वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी जो भी वेबसाइट आप एचरेप के अकाउंट के साथ एड करना चाहते हैं। दैट मीन्स कि आपको आपके सर्च कंसोल का एक्सेस होना चाहिए, तब भी आप आपकी वेबसाइट यहां पे ऐड कर पाएंगे, आप किसी अदर यूजर की वेबसाइट को ऐड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, यहां पर सिंपली आपको साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करना है। यहां पर आपको ऑप्शन आएगा कौन सी ईमेल आईडी के लिए करना है गाइस, तो आप साइन अप विद गूगल कर सकते हैं अगर आपकी ऑलरेडी जीमेल आईडी एग्जिस्ट है, अदरवाइज यहां पे आप ईमेल दे सकते हैं। तो यहां पे सिंपली चेक करना है साइन अप विद गूगल और जहां पे आपकी वेबसाइट लिंक्ड है। तो मैं साउंड प्रूफ आइडिया की वेबसाइट को यहां पे इंपोर्ट करके आपको दिखाऊंगा, मैं ऑलरेडी ब्लॉगिंग वॉइस को कर चुका हूं, उसके सारे इश्यूज भी फिक्स कर चुका हूं। सिंपली साइन अप फॉर फ्री पे आपको क्लिक करना है गाइस और सिंपली आप इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे आ जाते हैं जहां पर आपको लिटिल बिट इंस्ट्रक्शन देना तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसको आपको कंटिन्यू करना है। तो यहां पर आपको बताना है कि आपको इसका आइडिया कहां से लगा, तो चलिए लिख लेते हैं सिंपली मुझे ब्लॉग के थ्रू इसका आइडिया लगा और सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इससे गाइज आप सिंपली आपकी इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे आ जाते हैं और स्क्रीन पे एक ऑप्शन आएगा गाइज एड प्रोजेक्ट का। जैसे ही आप एड प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं गाइज, यहां पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा गूगल सर्च कंसोल फिर ऐड मैन्युअली। जैसा कि मैंने बोला, हमारी एग्जिस्टिंग वेबसाइट ऑलरेडी है, इसी को हमें इसके साथ मैप करना है, तो हमें सर्च कंसोल से डेटा को इंपोर्ट करना है। जैसे ही आप ये पिक करेंगे गाइस, तो यहां पे ऑप्शन आएगा कि सर्च कंसोल के लॉगिन के लिए, तो हमारी वेबसाइट जिस किसी भी सर्च कंसोल में होगी वो आपको चूज करना है, उसका ईमेल आईडी आपको चूज करना है और गाइस उस सर्च कंसोल में जितनी भी वेबसाइट है सबको ये यहां पे पुल कर देगा। सारी चीजें आपको अलाउ करनी है, दिस विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, सिंपली अलाउ आपको करना है। तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से वेरिफिकेशन कर रहा है। ओके गाइस, तो इस तरीके से कुछ आपको दिखाई देगा, आपके उस सर्च कंसोल में जो जो भी वेबसाइट मैप्ड है वो सारी की सारी वेबसाइट यहाँ पे लिस्टेड रहेगी। जैसा कि अभी के लिए मैं सारी वेबसाइट को चूज नहीं करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ साउंड प्रूफ आइडिया जो मेरी वेबसाइट है मैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट को यहाँ पे क्लिक करूंगा। जैसे कि मैंने ये किया और ये किया, ये जो भी है मेरी वेबसाइट साउंड प्रूफ आइडिया की। और गाइस, आपको स्टार्ट फर्स्ट ऑडिट, मतलब कि डायरेक्टली जैसे आपने इंपोर्ट किया आपकी साइट का ऑडिट स्टार्ट हो जाएगा, सारे इश्यूज दिखा देगा। या फिर आप आपकी साइट का वीकली ऑडिट प्लान करना चाहते हैं कि साइट हर एक हफ्ते के अंदर आप हमारी साइट को ऑडिट करते रहे, इश्यूज हमें रिपोर्ट करें। और गाइस, ये क्राउल एक्सटर्नल लिंक पे भी आपको क्लिक करना है। ये करने के बाद सिंपली आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है गाइस। जैसे ही आप इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, आपका एग्जिस्टिंग सर्च कंसोल में जो साइट मैप है, जो वेबसाइट के यूआरएल है, सारा का सारा एचरेप यहां पे पुल कर लेगा और आपके लिए वो ऑडिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। तो आप देख सकते हैं गाइस किस तरीके से यहां पर पर्टिकुलर वेबसाइट को इन्होंने इंपोर्ट कर लिया। और आप देख सकते हैं गाइस, मैंने दो वेबसाइट चूज की तो दोनों का डेटा यहां पे आ चुका है। अभी मैं क्या करूंगा गाइस, मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए देखना है, तो मैं यहां पर टाइप करूंगा soundproofidea.com पे, तो मुझे इस वेबसाइट के साइट एक्सप्लोरर के अंदर ये लेके जाएगा जो एचरेप का खुद का टूल है। यू स्टिल मस्ट अवेयर ऑफ गाइस की एचरेप के कौन कौन से टूल है, कीवर्ड एक्सप्लोरर, साइट एक्सप्लोरर। अगर आप नहीं जानते एचरेप को कैसे यूज करना, आई बटन में डिटेल वीडियो है। और यहां पर गाइस आप देख सकते हैं मेरी पूरी वेबसाइट का डेटा एचरेप के अंदर पुल हो चुका है,
पहले इसी चीज को देखने के लिए आपको एचआरएफ का 7 डे फ्री ट्रायल या फिर उसका $99 का पेड वर्जन लेना पड़ता था, लेकिन अभी आपको करने की जरूरत नहीं है। आपकी वेबसाइट की डोमेन रेटिंग क्या है, आपका यूआरएल रेटिंग क्या है, कितनी बैकलिंक्स है, कितने रेफरिंग डोमेन है, कौन कौन से कीवर्ड है जो रैंक, और अगर सिंपली आप इसको गाइज यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको आइडिया मिलेगा कि आपका कौन सा कीवर्ड कौन सी पोजिशन पर रैंक हो रहा है। दिस इज ऑसम। अभी आपको आपकी साइट की फैसिलिटी के लिए, उसके एनालिसिस के लिए कहीं से पेड टूल बाय करने की जरूरत नहीं है, अंटिल और अनलेस कि आप किसी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को एनालाइज करना चाहते हैं। जैसे कि आपकी खुद की वेबसाइट की ये सारे कीवर्ड रैंक हो रहा है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। अगर मैं साउंड प्रूफ सीलिंग फूड स्टैप पे काम करूंगा, मंथली सर्च वॉल्यूम है 150 का, इसका कीवर्ड डिफिकल्टी है जस्ट 1, और यहां पर ये पर्टिकुलर एक टॉपिक मेरे लिए 50 का मंथली ट्रैफिक लेके आ रहा है, और ये कीवर्ड फीचर स्निपेट में कन्वर्टेड है। यू कैन इमेजिन गाइज, नाउ यू कैन डू कंप्लीट एनालिसिस ऑफ योर वेबसाइट। यही नहीं गाइज, आप आपकी वेबसाइट पे बनी हुई सारी बैकलिंक्स को चेक कर सकते हैं, कितनी डू फॉलो बैकलिंक है, कितनी नो फॉलो बैकलिंक है। There you can see guys, अगर आप यहां से फिल्टर मारेंगे कितने डू फॉलो, you can see here total 20 डू फॉलो साइट पे बैकलिंक्स हैं, टोटल बैकलिंक्स का जो काउंट है वो 140 का है, तो यहां से आप टोटल बैकलिंक एनालिसिस कर सकते हैं। और यही नहीं गाइज, आपकी साइट के कौन से टॉप पेजेस हैं जहां पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है, गाइज आप टॉप पेजेस में जाके देखेंगे तो यू कैन सी हियर ये पर्टिकुलर पोस्ट पे बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक आता है एज कंपेयर टू अदर पोस्ट। सिमिलरली अगर आप आपकी वेबसाइट पे और सर्चेस करना चाहते हैं कि कौन कौन से आउटबाउंड लिंक है जो आपकी साइट से किसी एक्सटर्नल साइट को लिंक्ड है, जो लिंक वो कौन कौन सी वेबसाइट से जहां से आपने लिंक कर रखा है, तो देयर यू कैन सी गाइज इवन दिस डेटा इज अवेलेबल। So, in short में कहूं तो guys, आप आपकी वेबसाइट का टोटल और कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं यूजिंग HRF टूल, जो कि हमेशा पेड वर्जन में हुआ करता था। लेकिन ध्यान रखिए गाइस, यहां पे सिर्फ ऑप्शन इनेबल है वो साइट एक्सप्लोरर का। कीवर्ड एक्सप्लोरर गाइज वो इसलिए होता है जिससे आप अदर कीवर्ड आइडियाज को फाइंड आउट कर सके। जैसा कि मैं ब्लॉगिंग पे कोई कीवर्ड है जिसके लिए रिसर्च करना चाहता हूं, तो मैं ब्लॉगिंग इंसर्ट करके उस पर फर्दर रिसर्च करता हूं, तो ये सेक्शन होता है कीवर्ड एक्सप्लोरर। आपको HRF टूल को बाय करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए गाइज, वहां पे आपको तरीके सिखाया जाता है कैसे आप HRF को बाय कर सकते हैं, यू नो वेरी वेल, आई एम नॉट गोइंग टू रिवील हियर। तो मेक श्योर आप इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन कीजिए, यहां पे मैं एक पोस्ट को पेस्ट करूंगा, कल मॉर्निंग में आप उसको भी देख पाएंगे। सो गाइज, ये है HRF का गूगल वेब मास्टर आप कह सकते हैं, या फिर आपका गूगल वेब मास्टर जो कभी सर्च कंसोल हुआ करता था। तो यहां पे गाइज जैसे आप साइट एक्सप्लोरर में जाते हैं तो आपकी साइट को इसने पूरी तरह से क्राउड किया, राइट। तो जैसे कि मैं यहां पे अगर मैं टाइप करूं जो भी मेरी साइट थी जो मैंने यहां पे इंपोर्ट किया गाइज, तो या फिर आप डैशबोर्ड की तरफ जा सकते हैं गाइज, सिंपली डैशबोर्ड में जाइए, आपकी जो जो साइट इंपोर्टेंट है उसकी साइट का क्या डेटा है, क्या उसका स्टेटस है, आप सब कुछ यहाँ पे देख पाएंगे। और सिंपली यहाँ पे गाइज आप क्राउलिंग पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी साइट का ऑडिट का डेटा आपको दिखाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइज, आपको ओवरव्यू के सेक्शन के अंदर जाना है तो कीवर्ड एक्सप्लोरर डिसेबल है लेकिन साइट ऑडिट का ऑप्शन इनेबल है। मेरी इस पर्टिकुलर साइट को मैंने आज ही इंपोर्ट किया है तो आप देख सकते हैं गाइज, इसका पूरा हेल्थ स्कोर HRF के हिसाब से 28 है। मैं जानता हूं क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज है, आई हैवंट फिक्स्ड इट क्योंकि मैंने इसको इस वीडियो के लिए इंपोर्ट करके रखा था। सो गाइज आप देख सकते हैं यहां पे मुझे डिटेल आइडिया मिला कि ये मेरी साइट पे इशू है 3xxs redirect in site में, तो यहां पर इशू का डिटेल दे रखा है और उसको कैसे फिक्स करना है ये सारी चीजें भी मुझे बता के रखी हैं। अभी के लिए आपको साइट का हेल्थ स्कोर ये दिख रहा है, मे बी संडे को मैं इसको फिक्स करके 80 प्लस कर दूंगा। तो यहां पे एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि आपकी जैसे कि ये पर्टिकुलर पेज 46 पेजेस स्लो चल रहे हैं, रीजन क्या है, मैंने ये पर्टिकुलर कोड यहां पे इंसर्ट कर रखा है जिसको मैं रिमूव करूंगा, और आपको इसको 100% कभी नहीं करता, हर टूल का अपना अलग अलग डेटा होता है। इतने सारे 302 redirect है, ये सारे टाइटल्स हैं जो कि मिनिमम कैरेक्टर लेंथ जो कि होती है इनकी 50-60 कैरेक्टर से कहीं ज्यादा है जो मैं रखता हूं, कहीं ना कहीं मुझे जहां लगता है। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर आपकी वेबसाइट का क्या स्टेट्स है, क्या उसके इश्यूज है, उन इश्यूज को कैसे फिक्स करना, ये हमारे गूगल सर्च कंसोल में नहीं हुआ करता था, लेकिन ये डिटेल आपको यहां पे HRF के थ्रू मिलती रहेगी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे इश्यूज को देखना है, आपको क्या क्या टास्क करना है, सारी चीजें आपको यहां पर अंडर द साइट ऑडिट सेक्शन मिल जाएगी और ये कंटिन्यूअस आपकी साइट को ऑडिट करता रहेगा। आपको इसको री ऑडिट पे लगाना है तो ऑटोमेटिकली आपके लिए नई रिपोर्ट पुल करेगा, राइट। और इस तरीके से गाइस HRF का क्राउलर आपकी साइट पे जाएगा, विजिट करता रहेगा, जहां जहां भी आपकी कीवर्ड की पोजीशनिंग है ये डेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में HRF के डैशबोर्ड में मिलता रहेगा। सो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये पर्टिकुलर टूल जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, आई शोड यू हाउ इट वर्क्स, और इस संडे को मैं इसके सारे इश्यूज फिक्स करने वाला हूं, मे बी कल और परसों के अंदर, जिससे कि मेरी साइट का जो स्कोर है, फेयर स्कोर है, वो इंक्रीज होता रहेगा। और आप देख सकते हैं गाइस धीरे धीरे इंक्रीज भी होगा क्योंकि ये स्कोर भी
फ्लक्चुएटिंग होता है बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज अ क्राउलर राइट, और अभी भी क्राउलिंग चल रहा है। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यहाँ पर जैसे मैं स्टॉप क्राउल करूंगा गाइज, तो अभी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट वहीं पर रुक जाएगी, फाइनल स्कोर आपको आ जाएगा। अभी करंटली क्राउलिंग पे चल रहा है, सो दैट मीन्स कि ये स्कोर विल कीप इंक्रीजिंग कीप डिक्रीजिंग। ओके सो गाइज दिस इज समथिंग ऑल अबाउट द एचरेफ वेबमास्टर टूल, इसका कैसे यूज करना है और इसकी हेल्प से कैसे आप आपकी वेबसाइट के कीवर्ड की पोजिशनिंग को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।